हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिफ्टीन चैप्टर ऑफ ईबीएस क्लास फिफ्थ ओके सो इन दिस चैप्टर वी बिल लर्न अबाउट वूड कटर ओके इस स्टोरी के अंदर एक वुड कटर लकड़हारा है उससे रिलेटेड कहानी है और इस चैप्टर का नेम है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड उसी से सर्दी और उसी से गर्म ठीक है सो देयर वॉज अ वुड कटर एक लकड़हारा था एवरी डे इन द मॉर्निंग ही यूज टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट वूड वो रोज सुबह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता था इन द इवनिंग ही वुड सेल द वूड इन दिटी और शाम को उन लकड़ियों को सिटी में बाजार में बेच देता था वन डे द ही वेंट डीप इंटू द फॉरेस्ट एक दिन वो जंगल में बहुत अंदर चला गया ठीक है इट अ वेरी कोल्ड विंटर उस दिन क्या था बहुत सर्दी थी हिज फिंगर वेरी विकमिंग नॉम उसकी फिंगर कैसी हो गई थी उंगलियाँ एकदम जकड़ गई थी एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एक्स एंड ब्रिंग हिल एंड क्लोज टू हिज माउथ वो क्या करता लकड़ियों को काटते समय जब उसकी हाथ एकदम ठंडे पड़ गए फिंगर एकदम जकड़ गई ठंडी हो गई तो वो अपने हाँ, कुल्हाड़ी को नीचे रखता और क्या करता हाथ से फूकता दोनों हाथों तो को आपस में रगड़ता और फिर फूकता तो इस तरह से वो क्या करता अपनी हाथों तो को गर्म करके और वो लकड़ियाँ काटता देन ही वुड ब्लो हार्ड देन और टू वार्म देम इस तरह से वो अपनी उंगलियों को हाथों को गर्म करके लकड़ियाँ काट रहा था वाइल uh, 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 ही वॉज़ कटिंग बूड मैन बलस्ते वाज वॉचिंग हिज फ्राम कॉर्नर तभी क्या हुआ एक बूट uh, कटर के बूट कटर को एक किसने देखा एक बलिस्ते ने देखा ठीक है मैन बलस्ते शो द वुड कटर कीप्ड ब्लोइंग वन हिज हैंड वो उसने ये देखा कि ये बलिस्ता क्या करता है कि हाथ को फूकता है और फिर लकड़ियाँ काटने लग जाता है बहुत समय से ये चीज़ वो देख रहा था ही विगन टू वंडर देन ऑल वॉज अबाउट ही वॉज कुड नॉट अंडरस्टैंड इट लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये हथेलियों को फूकने से क्या हो रहा है लेकिन वो पूछना चाह रहा था बट उसका हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उससे पूछ सके ओके ही गोट अप थिंकिंग दैट ही वुड वुड गो एंड आस्क द वुड कटर आफ्टर वॉकिंग अ लिटिल वह थोड़ा धीरे धीरे चलते हुए उसके ही कैम वैक थिंक दैट ही वुड कटर में नॉट लाइक बींग आस्क मतलब उसने पूछना चाहा फाइनली जब उससे नहीं रहा गया तो उसने क्या कहा मैन वलिस्थे कुड नॉट हेल्प हिम सेल्फ ही वेंट होपिंग द वुड कटर एंड सैड हेलो ब्रदर इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समिंग अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ बात पूछूँ तो सींग दिस टनी पर्सन द वूड कटर वॉज अमेज एंड अम्यूज उसने वूड कटर ने उस छोटे से व्यक्ति को देखा तो उसको हँसी भी आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं बुरा क्यों मानूँगा पूछिए आप बट ही हिड हीज़ स्माइल एंड सैड अपकोर्स अपस आस्क वाट यू वॉन्ट टू पूछिए आपको क्या पूछना है ठीक है ऑल आल आस्क इज वाई डू यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ अवन टू तो योर हैंड सैड मैन वलिस्ते वलिस्ते ने कहा कि आप ये कुल्हाड़ी को नीचे रखिए बार बार हाथों को फूक रहे हैं तो इस ये क्यों कर रहे हैं ऐसा तो द वुड कटर रिप्लाइड तो वुड कटर ने क्या कहा लकड़धारे ने कहा इट इज़ टू कोल्ड कि बहुत ठंडी है माई हैंड आर फ्रोजन मेरे हाथ बिल्कुल जम गए हैं ठंडे हो गए हैं सो आई ब्लो ऑन हैंड देम वॉम देम अप आर लिटिल इसीलिए मैं उन्हें गर्म कर रहा हूँ दे गेट कोल्ड अगेन आई वॉम देन अगेन वाई ब्लोइंग मतलब बार बार ठंडे हो रहे हैं इसलिए मैं उनको हाथ से फूक फूक के गर्म करके फिर लकड़ियाँ काटता हूँ तो मैन वलस्ते नोड ओ ओ दैट्स इट उसको उसने इतना पूछा और वो वापस पीछे की तरफ जाने लगा एंड विथ ही मूवड ऑफ बट ही स्टेड नियर बाई एंड कैप्ट क्लोज बाच वन बट वो वलिस्ता जो था वो बहुत दूर नहीं गया था वो उसी के आस पास ही था फिर क्या होता है शून इट वॉज आफ्टरनून अब दोपहरी हुई द वुड कटर विगन थिंक लंच वूड कटर को खाना पकाने का ध्यान आया फिर ही पिकडअप टू टू स्टोन एंड एंड अ मेड ऑफ़ चूल्हा उसने कुछ पत्थर उठाए और उन पत्थरों से क्या करा चूल्हा बनाया ही लिट अ फायर एंड पुट अ स्मॉल हंडी पॉट फिल ऑफ पोटेटोज वॉल उसने कुछ एक छोटी सी हंडी में आलू उबलने के लिए रख दिए ही वुड बाजम्प मतलब जो लकड़ियाँ कैसे लकड़ियाँ कैसी थी ठंडी थी हल्की गीली भी थी सो वुड कटर वेंट टू डाउन एंड ब्लो वन फायर टू हेल्प इट बर्न मतलब वो उन लकड़ियों को जलाने के लिए बार बार फूक रहा था ठीक है तो बलिस्ते वाज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस कुछ तो बलस्ता क्या था आ, वो दूर से देख रहा था कि अभी तो ये हाथों को फूक फूक के गर्म कर रहा था क्या अब लकड़ियों को फूक के उनको भी जलाएगा क्या तो फिर बोलता है अरे ही सैड टू हिम सेल्फ देर ही गोज अगेन कि ये बार फिर बाद में बार बार कर रहा है ब्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ डू फायर कम आउट uh, हिज माउथ अब इसकी मुँह से आग निकल रही है क्या जो लकड़ियों को जलाएगा तो फिर ही बूट कटर वॉज़ फीलिंग वेरी हंग्री बूट कटर बहुत भूखा था ही टुक ही टुक आउट अ पोटैटो फ्रॉम द हंडी उसने हंडी में क्या देखा आलू देखिए ही ही ट्राइड टू ईट बट ही पोटैटो वॉज टू हॉट उसने आलू को खाने की कोशिश की बट वो आलू कैसा था बहुत गर्म था ही अगेन बिगन बिगन टू ब्लो ऑन इट फू फू मतलब फिर वो आलू को क्या करने लगा फिर फूकने लगा तो फिर फिर भी अभी बलिस्ता देख रहा था अरे सैड बलिस्तु टू हिम सेल्फ ही ब्लूइंग अगेन मतलब वो खुद में सोचता है कि ये फिर फुक रहा है ना वाट इज़ ही गोइंग टू वन टू पोटेटो आफ्टर ब्लोइंग फ्यू मोर फूफू वन इट इन बूट कटर पुट इट इन हिज माउथ एंड बिगिन टू ईट इट मतलब ये फूकरा है फिर खा रहा है तो अब आलू को जलाएगा क्या फूँके देन आगे क्या होता है नाउ मैन वॉज़ वेरी सरप्राइज उसे बहुत आश्चर्य हुआ ही जस्ट कोल्ड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एंड ऑफ ही वॉन्ट होपिंग टू द वर्ड कटर उसने उसे फिर ऐसा लगा कि अब मुझे फिर पूछना चाहिए कि ये क्या चक्कर है बार बार क्यों पूछ रहा फूक रहा है अभी पहले हाथों को फूक रहा था उसके बाद फिर उसने चूल्हे को फूका लकड़ियों को फूका और अभी आलू को फूच फूक रहा है तो वो फिर वापस आया घूमते फिरते हुए और उसने फिर पूछा बोला हेलो ब्रदर ही सैड इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन अगेन क्या आप बुरा ना माने तो मैं एक क्वेश्चन फिर से पूछ सकता हूँ तो द बूट कटर रिप्लाइड नॉट एट ऑल आस्क वट एवर यू वांट कोई बात नहीं आप क्या पूछना चाहते पूछिए मैन बलस्ते सैड दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी दैट यू लो वन योर हैंड टू वॉर्न देम अप नाव यू आर ब्लोइंग वन दिस पोटैटो विच इज़ ऑलरेडी सो हॉट मतलब सुबह आप uh, हाथ को फूक रहे थे अपने हाथ को गर्म करने के लिए लेकिन अभी आप पोटेटो को फूक रहे हैं बट ये तो ऑलरेडी गर्म है सो वाई डू यू वांट टू मेक इट हॉटर अब इसको गर्म क्यों कर रहे हैं तो फिर वो क्या बोलता है बूट कटर नो 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 माई लिटिल फ्रेंड दिस पोटैटो इज टू हॉट ये पोटैटो गर्म है आई एम ब्लोइंग इज नॉट टू कोल्ड टू डाउन मैं इसे ठंडा करने के लिए फूक रहा हूँ वैन ही हर्ड दिस वेन ही हर्ड दिस मैन वलिस्ते फेस बिकम वाइट मतलब ये सुन के वालिस्ते को बड़ा आश्चर्य हुआ ही बिगन टू ट्रेम्बल विथ फियर उसे बड़ा डर लगा डर भी लग रहा था एंड स्टार्ट टू बैक अवे और वो धीरे धीरे ऐसे पीछे पैर करके लौटता हुआ चला गया टू वुड कटर वाज अ गुड मैन ही साइड वाट रॉन्ग मैन आर यू टेम्बलिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आदमी किसी चीज़ को फूकने फूक रहा है और उसको कभी बोलता है कि गर्म करने के लिए फूक रहा हूँ कभी बोलता है कि मैं ठंडा करने के लिए फूक रहा हूँ कहीं ये इंसान है कहीं भूत प्रेत तो नहीं है बट मैन वेल कैप्ट गंग बैक वर्ड वेन ही वॉज अ सेफ डिस्टेंस अवे ही सेट टू हिम वो खुद से कहता है वाट काइंड ओ कैप्चर इन दिस श्योरली मस्ट बी गोश्त और और जिंद या तो ये भूत है मस्ट भी ये भूत हो सकता है या जिंद हो सकता है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड ही सम ब्रीथ और दोनों गर्म भी कर लेता है उसी ब्रीथ उसी से कर लेता है ठंडा इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल ये आसान नहीं है दिस राइट देर सम थिंग्स विच जस्ट कैन नॉट बी वट दे आर ओके तो इस तरह से ये स्टोरी थी एक बूट कटर की और बलिस्ते की तो ये आपने इस वीडियो को प्रॉपर और कंप्लीट देख लेना ओके अब इस आ, से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं आपको एक्सरसाइज में दे दूँगी ओके स्टूडेंट थैंक यू